सो गाइज अभी तक आपने बहुत बार सुन लिया होगा कंटेंट इज द की। यस गाइज, तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कंटेंट कैसे बनाए जो आपको पैसे लाके दे, क्योंकि कंटेंट इक्वल्स टू मनी। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इस पे ही बात करने वाले हैं कि कंटेंट कैसे बनाए जो वायरल हो और काफी अच्छा आपको रेवेन्यू दे, क्योंकि गाइज जितने भी लोग अगर आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे या जितने भी मार्केटर्स बोल लो जो दिखेंगे, वो किस दम पर अर्निंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो कंटेंट में क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं कंटेंट बनाते समय, ताकि आप काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लो, क्योंकि जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतना ज्यादा आप पैसे अर्न करोगे। लेट्स गो। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कॉन्टेंट बनाने जाते हो, तो ये मत सोचो कि आपको खुद कुछ सोचना है और कॉन्टेंट बनाना है। मैंने देखा है कि जितने भी न्यू बीज आ रहे हैं मार्केट में और वो सोच रहे हैं कि अभी हम चलो कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो हमें काफी अच्छा खासा रिजल्ट लाके दे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसे कंटेंट ढूंढ सकते हो जो काफी ज्यादा वायरल है। बट हाँ, आपको चीजों को कॉपी नहीं करना, वैसे का ही वैसा उठा के नहीं डाल देना है। आपको वायरल कॉन्टेंट ढूंढने कम से कम 10, अगर आप न्यू मार्केट में आए हो या बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको 10 वायरल कॉन्टेंट ढूंढने। ये मैं इंस्टाग्राम के लिए, चाहे यूट्यूब के लिए, कैसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबके लिए बोल रहा हूं, आपको ऐसे 10 वायरल कंटेंट ढूंढने। अब इन कंटेंट को ढूंढने के बाद आपको इनको रिक्रिएट करना है अपने तरीके से, जो आपका स्टाइल है, जो आपकी ब्रांडिंग है, जैसे आपका ब्रांडिंग स्टाइल है, जैसे कलर है, उसमें आपको ढालना है वायरल कॉन्टेंट को। तो सबसे बड़ा पिलर और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर यही होता है कि आप अपना खुद का कॉन्टेंट ना बना के इंस्टेड ऑफ दैट आप दूसरों का कंटेंट ढूंढो जो बहुत ज्यादा वायरल है। इससे आपको ग्रोथ भी तेज मिलेगी, प्लस आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाओगे मार्केट में भी, और आपकी पर्सनल ग्रोथ तो होगी होगी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटेंट शुड बी एंगेजिंग। यस गाइस, इससे क्या मतलब है, आपने बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम में इस तरह की लोग डालते हैं, प्लीज कमेंट बिलो, यस टाइप यस, जैसे कि मैं भी बहुत बार डालता हूं कि कमेंट बिलो, यस अपना ओपिनियन लिखो। तो वो क्या होता है, वो होता है कॉल टू एक्शन, और इससे क्या होता है, इससे आता है एंगेजमेंट। अब जरूरी नहीं है कि कॉल टू एक्शन से ही एंगेजमेंट आए, आप उसके लिए ऐसे इमेजेस बनाओ जो लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे और उनको सरप्राइज कर दें। जब ऐसा होता है तो लोग खुद ब खुद नीचे कमेंट लिखने लगते हैं, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ये फोटो डाली थी और जिसमें मैंने बताया कि मैंने सेविंग कर ली है, तो आप देख सकते हो कि इसका एंगेजमेंट रेट काफी अच्छा खासा आया, जाके देखो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे कुछ अमेजिंग फोटोज जब आप डालते हो तो लोग खुद ब खुद अमेज्ड होके वहां पर कमेंट करने लगते हैं। तो गाइज आपको भी ऐसा ही कुछ करना है कि लोग खुद अमेज्ड होके करने लगे, अदरवाइज आप कॉल टू एक्शन का यूज करो, जिससे आपका पिक आपको पैसे लाके देगा। नेक्स्ट, ये लास्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको वायरलिटी और एंगेजमेंट दोनों ही लाके देगा। इसको बोलते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट। अब सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या होता है, ऐसी चीज जहां पर आपकी आंखें रुक जाएं। जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम पे हो और आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, जब आप नीचे जाते हो कुछ ऐसी चीज देख लेते हो कि ओ ये क्या, व्हाट दिस, तो जब आप वहां पर अपना समय दे देते हो तो वहां पर आप एंगेजमेंट भी दे देते हो। एंगेजमेंट दे देते हो मतलब आप उसको लाइक कर दिए, लाइक कर दिए मतलब आप उसको शेयर करोगे, मतलब कि वायरल होने का चांस बढ़ गया, एंगेजमेंट ऑलरेडी मिल गया और पिक सरप्राइजिंग है ही, तभी वो बंदा वहां पर रुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है सरप्राइजिंग एलिमेंट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूं वो मैं इंस्टाग्राम के सेंस में बात कर रहा हूं, बिकॉज आज के समय में अगर आपको ब्रांडिंग करनी है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है जो आपको ध्यान में रखनी है, वायरल इमेज, सेकंड एंगेजमेंट, और थर्ड सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके कंटेंट में होना ही चाहिए अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में काफी तेजी से पोस्ट से पैसे अर्न करने हैं। और बिलीव मी, दिस इज द रियलिटी कि लोग पोस्ट से कंटेंट से ही पैसे अर्न करते हैं। किसी भी इंटरनेट मार्केटिंग में अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, बिकॉज कंटेंट ही वो प्रोडक्ट है जो आपको पैसे ला के देता है। तो अगर आप भी नए हो, चैनल को स्टार्ट किए हो और अभी अपना ब्रांडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो इन तीनों टिप्स को अप्लाई करो और मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपने अपनी ब्रांडिंग अभी तक स्टार्ट कर दी। सिर्फ यस या नो लिखना है, डोंट बी लेजी। मुझे पता है लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं कमेंट लिखने में, सो प्लीज डोंट बी लेजी, यस या नो लिखो एंड प्लीज लेट मी नो, तो आपके लिए और भी डीप जाके मैं वीडियो बना पाऊं अबाउट ब्रांडिंग। तो गाइस,
वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को थम्स अप, नहीं लगी तो थम्स डाउन। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सी यू नेक्स्ट टाइम।